साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू अकेडमी पर। डियर, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जो NIOS से डीएलएड है उसके संदर्भ में कोई सूचना प्रसिद्ध कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में NIOS पे जो किए हुए डीएलएड साथी हैं वो यूपी टेट में एलिजिबल नहीं हैं, आपको बता दें। लेकिन एक राज्य सरकार के द्वारा NIOS के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, और क्या इस मामले से अब विभिन्न राज्यों में भी NIOS जो है डीएलएड कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में बढ़ता कदम देखा जा सकता है। तो अगर आप NIOS से डीएलएड किए हुए हैं या इस न्यूज से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की बेहतरीन ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। डियर, जैसा कि आपको पता है कि NIOS से जो डीएलएड होता है वो 18 माह का होता है, और कहीं ना कहीं ये एक दूरस्थ एजुकेशन के मोड में किया जाता है। जैसे आप टीचर हैं किसी प्राइवेट या निजी सेक्टर्स के विद्यालयों में, तो वहां से आप NIOS से डीलेट कर लेते हैं जिसकी वैलिडिटी 18 माह की होती है। और आप देख पा रहे हैं ये देहरादून यानी कि उत्तराखंड का राज्य का मामला है, और NIOS से डीलेट वाले हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल। अब आप देख लीजिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अब NIOS से किए हुए डीलेट जो साथी हैं वो शिक्षक भर्ती में आकर खड़े हो गए हैं। और क्या इसी के तर्ज में अन्य राज्यों में भी यह मामला चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, अन्य राज्यों में भी अब कहीं ना कहीं जो NIOS से डीलेट साथी हैं वो शिक्षक भर्ती में चयनित होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मामला जो हाईकोर्ट का है उत्तराखंड के, इसी को बेस बना के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में रिट होगी, अन्य राज्यों में रिट होगी, और कहीं ना कहीं जो ये मामला है NIOS से डीलेट किए हुए शिक्षक साथियों का वो अब कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में खड़े नजर आएंगे। और हो सकता है कि जो इस बार का UPTET होगा 2022 उसमें NIOS से डीलेट किए हुए उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को मौका दे सकता है हाईकोर्ट। तो ये बड़ी अपडेट थी NIOS से डीलेट करने वालों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है कि NIOS से डीलेट किए हुए साथी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चयनित हों या उनका किस आधार पर चयन किया जाए? अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दिए। थैंक यू।